अब मैं मम्मी को बोल रहा हूँ राइड पे जा रहे हो जींस पहनना शुरू कर दो, तो मना करिए, शर्म आती है जींस पहनने में। ये कुछ सामान हम लेके जाने वाले हैं, इसमें हमारे कपड़े हैं, मम्मी अभी अपने कपड़े डाल देगी, हमें इसी बैग में एडजस्ट करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश व्लॉग में। सो बहुत दिनों बाद आपको मोटो व्लॉग दिख रहा है हमारे चैनल पे, और मोटो व्लॉग इसलिए दिख रहा है क्योंकि मुझे अपनी डोमिनार पे कराना है कुछ काम, क्योंकि बहुत जल्दी मैं निकलने वाला हूँ एक लॉन्ग राइड पे, और लॉन्ग राइड पे इस बार मैं शायद प्रेरणा के साथ नहीं जा रहा, माय पिलियन राइडर विल बी माय मॉम। यस, मैं अपनी मम्मी के साथ जाने वाला लॉन्ग राइड पे, तो उनका भी मन था, तो मेरे को भी लगा कुछ हटके हो जाएगा करने के लिए, तो चलते हैं क्योंकि प्रेरणा को छुट्टी नहीं मिल रही है, और मम्मी ने बोला मेरा बहुत मन है जाने का, तो मैं बोला चलो मम्मी के साथ जाते हैं। और ये राइड काफ़ी लंबी होने वाली है, 3-4 दिन की राइड है, लेकिन मम्मी के लिए तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, मम्मी कभी इतना लंबा बाइक पर बैठी नहीं है। ये डिसीज़न मैंने बहुत मुश्किल से लिया है क्योंकि मम्मी के साथ, यार देखो अब उनकी एज ज़्यादा है, शी इज़ 60 years old, और फिर उनके साथ इतना लंबा ट्रैवल करना, क्योंकि जहाँ मुझे डेस्टिनेशन जाना है वो है 512 किलोमीटर दिखा रहा था एग्जैक्टली मेरे घर से, और फिर मम्मी के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी, मुझे पता है, मुझे स्टॉप बार बार लेना पड़ेगा, जब जब वो थकेंगी तो मुझे बार बार स्टॉप लेना पड़ेगा, जैसे कि मैं नॉन स्टॉप जितना लंबा मैं हमेशा जाता हूँ ना, नॉन स्टॉप एक बारी में लंबी लंबी खींचता हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा इस बार। तो बाकी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, मी एंड माय मॉम इज़ वेरी एक्साइटेड। और अभी मैं जा रहा हूँ बाइक में बैटरी चेंज करवाने, क्योंकि इसकी बैटरी कभी कभी इशू कर रही है, और मैं नहीं चाहता कि जहाँ मैं ठंडे इलाके में जा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं पहाड़ों पे ही जाऊँगा, और वहाँ पे जाके जो बैटरी थोड़ी सी भी वीक होती है ना, तो वो वहाँ जाके डेड हो जाती है, प्रॉब्लम तो करेगी करेगी, और मैं अपनी मम्मी के साथ ना 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इतनी लंबी राइड अगर ये वहाँ बाइक की बैटरी ख़राब हुई तो ये बैटरी मुझे मिलेगी नहीं, और ये बाइक ना मेरे को लगता है कि डोमिनार शायद बिना बैटरी के स्टार्ट भी नहीं होती है, और होती होगी तो बहुत धक्के देने पड़ते हैं इसको, वो मेरे बस की नहीं है। तो चलो चलते हैं, अब ये बैटरी चेंज करवाते हैं, फिर मैं आपको सारी प्रिपरेशन दिखाता हूँ। अब क्योंकि मम्मी कभी राइड पर नहीं गई हैं, हेलमेट तो है घर पर उनके लिए, लेकिन राइडिंग जैकेट वगैरह नहीं है, अब मुझे पता भी नहीं आगे वो राइड पर मुझसे साथ जाएंगी कि नहीं जाएंगी, उनका एक तरह से टेस्ट राइड है कि उनको अगर अच्छा लगता है तो ही उनके साथ आगे प्लान करूंगा, अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं इस बारी कान पकड़ लूंगा, मैं आगे से कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्तों एक पोपट हो गया शायद, इन्होंने पूरी बैटरी खोल दी यहाँ पे, ये देखो सब निकाल दिया, बैटरी निकाल दी, बैटरी रख ली अंदर, और शायद इनके पास सेम साइज की बैटरी है नहीं, तो यार ये पोपट मेरे साथ ही, उन्होंने तो इतनी गर्मी हो रखी है, इतनी और अब यहाँ पे मेरे को वेट करना पड़ेगा, पता नहीं अब यही पुरानी बैटरी डाल के ले जाऊँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। तो हो गई है बैटरी चेंज, बैटरी पड़ी थी, द जेंटलमैन इनसाइड उनको मिल नहीं रही थी, लेकिन बाद में मिल गई, तो चलो चलते हैं, और जहाँ मैं एक सेकेंड रुको, ये तो बड़ी मुश्किल है यहाँ से उतारना, तो हेलमेट इतना बड़े है ना हमारे। और हाँ मैं कह रहा था जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह मैं आपको करूँगा जाने से पहले रिवील, बहुत अच्छी जगह है, बड़ा रिसर्च किया मैंने उसके ऊपर, तो फाइनली हमारा प्लान इज़ ऑन, अभी तक तो ऑन है, ऑफ नहीं होना चाहिए, बस एक मोबाइल होल्डर लगाना है विथ चार्जिंग, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, रास्ता पता नहीं है तो नेविगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो जेब से फ़ोन निकाल निकाल के तो देख नहीं सकता बार बार, तो वो भी देखते हैं, अभी घर जाके टाइम मिलता है तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसको भी। राइड पे जाने के लिए हैं, चलोगे? ये तो कैसे जाएंगे मम्मी इन कपड़ों में बताओ। अब मैं मम्मी को बोल रहा हूँ राइड पे जा रहे हो जींस पहनना शुरू कर दो, तो मना कर रही, शर्म आती है तो जींस पहनने में, पहनोगे जींस? नहीं ना, पजामा पहन लूंगी। पहली बार राइड पे जा रही है, इनके लिए अभी हेलमेट का अरेंजमेंट हो जाएगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा हेलमेट है, राइडिंग जैकेट का मैं देखता हूँ, नहीं होगी तो ऐसे जाएंगे, और जींस पहन लो, जूते उतरे हैं आपके पास, जींस पहन लो क्योंकि ठंड होगी, कंफर्टेबल रहेगा, जींस में बैठ नहीं पाऊंगी मैं। क्यों, ढीली वाली पहन लो, चलो मैं देखता हूँ आपके लिए कुछ ढूंढता हूँ, मेरे कपड़े पहन लेना आप, एक काम करना ठीक है, तो चलो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट कैसा रहता है हमारा। रात को क्या क्या मंगाया, शी वाज क्रेविंग फॉर द नूडल्स, और ये देखो सो गई थी, सबर नहीं हुआ, ये लो सब चाइनीज पूरी मंगाई है, पता नहीं कहाँ से, ये तो मुझे पसंद है ना, ये ना टीवी में देखती रहती है सभी, अभी हम किसी का कैंपिंग का ब्लॉग देख रहे थे जापान का,
तो ये सब नूडल्स खा रहे थे तो हमको लकीली ये मिल गई। तेरे को नहीं मिलेगी नूडल्स, ठीक है गुच्छा बाबू। ये देखो ट्राई करके देखो, मेरे को ये वाली टेस्टी लग रही है ज्यादा। देखो खुशी देखो कितनी चेहरे पे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया 70 रुपए की है। मैंने कहा था ना मंगाई। तो राइड की तैयारी चल रही है बहुत जोरों शोरों से। अभी मैं बाइक को वॉश कराने आया हूँ। बाइक देखो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, हर तरफ से मिट्टी मिट्टी है। और मैंने कल इसमें चार्जर भी इंस्टॉल करा लिया था। बाइक वॉश करा के मुझे अभी जाना है सर्विस सेंटर, एक जनरल चेकअप हो जाएगा ना तो तसल्ली हो जाएगी। और हाँ मैंने बंजी कॉर्ड वगैरह सब खरीद लिया इसके लिए, तो बस उसको भी वॉश कराते हैं फिर चलते आगे सर्विस। बाइक खुल के रेडी हो गई है, देखो क्या चमक मार रही है, बड़ी एकदम मस्त हो जाती है। और यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। जी आ गए हम सर्विस सेंटर। अब छोटे मोटे जो काम है इसके अंदर वो होने हैं, चेन टाइट, चेन लूज, हैंडल का थोड़ा सा लूज है, हैंडल टाइट होना है इसका, पीछे के टायर से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है वो इसमें अभी बन जाएगा। और बाकी देखते हैं कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम निकलती है उसको ठीक करा लेंगे। बाकी इसका जनरल चेकअप होना है राइट से निकलने से पहले, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमेशा। जितने सारे फ्यूज है इनके अंदर ना, देखो कार बना गया है तो भैया ने बोला इस बैटरी को कुछ चेंज करा लो, रास्ते में भी प्रॉब्लम ना हो। ये लो भैया सारे दूसरे दे दो, ये मैंने कैरी करने के लिए छोटा ल्यूब भी ले लिया है, बड़े की जगह नहीं होगी तो छोटे लेकर चलते हैं ऊपर। तो सीधा हम बाइक ठीक कराने के बाद आ गए हैं छोले भटूरे लेने। ये हमारे अपने पुराने वीडियो में भी दिखा होगा, यहाँ के छोले भटूरे बहुत टेस्टी होते हैं। तो मेरे राइडिंग पार्टनर इधर बैठी हैं, पूजा कर रही हैं। एक्साइटमेंट हो रही है मम्मी, पूजा करते करते बताओ ऐसे रही है मम्मी। तो इनको पूजा करने देते हैं, वैसे आपको लोगों को एक बार मिलवा देता हूँ अपनी मम्मी से, लेकिन मम्मी तो अभी पूजा कर रही है। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या क्या सामान पैक करना है। कुछ सामान हम लेके जाने वाले हैं, इसमें हमारे कपड़े हैं, मम्मी अभी अपने कपड़े डाल देगी, हमें इसी बैग में एडजस्ट करना है। और ये कुछ मेडिसिन रखना बहुत ज़रूरी होता है। आईपैड मैं लेके जा रहा हूँ, हमारी कुछ मेमोरी फुल हो जाए फ़ोन में तो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपना डेटा। ये कुछ इंजन ऑयल टॉप अप लेके जा रहा हूँ। बाकी टूल किट मैंने बाइक में रख ली है, ये एक्स्ट्रा स्पेक्स लेके जा रहा हूँ मैं। बाकी इस बैग में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने अपने सन ग्लासेस रख लिए हैं। और ये जो इस बैग का जो पंप होता है ना जो पूरा इसमें वैक्यूम निकाल देता है वो हो जाएगा। बाकी मैंने सब सामान रख लिया, सेल्फी स्टिक वगैरह सब रख लिया है ले जाने वाला, सन ग्लासेस एक्स्ट्रा स्पेक ये सब कुछ रख लिया। ये जैकेट पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, विंडशील्ड टाइप जैकेट है। और बाकी हमारा जो नी गार्ड है दोनों पेयर, नी और एल्बो गार्ड, ये रहा शूज़ मैं ये वाले वुडलैंड वाले पहन के जाऊँगा। सो बस यही सामान होने वाला है। और ये फ़ोन भी जाएगा, ये नव्या का फ़ोन है, ये काफ़ी काम आने वाला है वहाँ पे हमें नेविगेशन देखने के लिए, क्योंकि आईफोन का जो ऑप्टिकल लेंस है वो ख़राब हो सकता है ड्यू टू फिक्स ऑन अ हैंडल माउंट। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे तो मुझे पंगा नहीं लेना था क्योंकि मेरे को आईफोन से ही अपना व्लॉग बनाना है और मैं नहीं चाहता ये सब खराब। तो दोस्तों ऐसी कुछ हालत होगी अपनी शक्ल की, सुबह से इधर भाग बहुत काम किया और दिन में सो भी गया अच्छे से। अभी उठा तो याद आया कि पैकिंग हम करके खत्म ही कर दें क्योंकि अभी राइट में एक दिन बचा है, अगर कुछ सामान अगर हम भूलते भी हैं तो वो कल के दिन में हम याद कर लेंगे। वैसे मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, उसमें मैं टिक करता जा रहा हूँ, जो सामान रहता था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो चलो गाइस, आई होप यू लाइक टू दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में मिलते हैं। एंड हाँ प्लीज़ हम लोग के लिए प्रे करना कि हमारी राइड अच्छी सी हो जाए, पहली बार मैं अपनी मम्मी को राइड पे इतनी दूर लेके जा रहा हूँ। चलो मिलते हैं सीधा राइड डे 1 पर। बाय बाय।